और बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से आ रही है, जहां पर मेयर चुनाव को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक बार फिर से आमने सामने आ गई है। एलजी दफ्तर के बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ राजघाट के बाहर बीजेपी के कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन जारी है। दरअसल कल मेयर के चुनाव को लेकर सिविक सेंटर में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षदों के बीच में जिस तरीके से नारेबाजी और धक्का मुक्की हुई थी, उसके बाद से दोनों पार्टियों के पार्षद और कार्यकर्ता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। और उन्हीं आरोपों के नतीजा ये दिख रहा है कि आज दोनों पार्टी के कार्यकर्ता, एक तरफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उपराज्यपाल के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ राजघाट के बाहर यहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जारी है। दरअसल कल जब मेयर के चुनाव को लेकर शपथ दिलाई जा रही थी सिविक सेंटर में, तो उस वक्त ही विवाद पूरा शुरू हुआ। आम आदमी पार्टी के विधायक, आम आदमी पार्टी के काउंसलर सारे एलजी साहब के पास पहुंचे हैं। हम उनसे निवेदन करने के लिए पहुंचे हैं कि संविधान की हत्या करना बंद करें। दिल्ली के लोगों ने संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से आम आदमी पार्टी को चुन के भेजा है एमसीडी में, तो फिर क्यों गैर कानूनी, गैर संवैधानिक तरीके से भारतीय जनता पार्टी को बैकडोर एंट्री कराने की कोशिश की जा रही है? क्यों गैर कानूनी, गैर संवैधानिक तरीके से पीठासीन अधिकारी को अपॉइंट किया जाता है? क्यों गैर कानूनी तरीके से नॉमिनेटेड काउंसलर को अपॉइंट किया जाता है? और कल जो सबसे बड़ी साजिश हुई कि जो नॉमिनेटेड काउंसलर हैं उनको संविधान के खिलाफ जाते हुए, कानून के खिलाफ जाते हुए मेयर और डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का वोट दिलाने का इरादा था। आज हम एलजी साहब से कहना चाहते हैं, भाई इन्होंने दिल्ली नगर निगम के हाउस में, जहां इनके पास क्लियर मेजोरिटी है, और ये पार्षदों को ओथ नहीं लेने दे रहे हैं, शपथ नहीं लेने दे रहे हैं, बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, और कुर्सियां उठाकर पीठासीन अधिकारी जो एक निगम पार्षद है, महिला है, पूर्व मेयर है, उनके ऊपर जो इन्होंने जानलेवा हमला किया है, उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। काला दिन बनकर रह गया। और जिस द्वारा अपने इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।